तो भाई लोग नहीं नहीं बोल के अपनी अमेरिका की वीजा लग गई और मैं अमेरिका होके आया हूँ। भाई अभी अमेरिका की ट्रिप के बारे में तुम लोगों को बताएंगे तो देखो भाई, मतलब इतनी खूबसूरत जगह, इतनी खूबसूरत जगह है, खाली एक ही लफड़ा है, तुम लोग को इंग्लिश आनी मांगती। इंग्लिश से ही तो कम्युनिकेशन है उधर, मतलब जो बातचीत करेंगे तो खाली इंग्लिश में करेंगे भाई, नहीं तो वो लोग को भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम एक गिलास पानी भी नहीं मांग सकते। तो अगर तुम लोग को कोई भी जाने की तुम लोग की प्लानिंग है तो थोड़ी बहुत तुम लोग इंग्लिश सीखनी पड़ेंगी, मतलब वो तुम लोग को कंपलसरी सीखनी पड़ेंगी, थोड़ी ऊपर ऊपर की तो सीख लो, नहीं तो आधे टाइम पे तो तुम लोग के वीज़ा ही रिजेक्ट हो जाएंगे कि नहीं भाई तुम लोग को बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आ रही है। तकलीफ हो सकती है, तुम लोग पहले से तैयारी में रहो। मेरी तुम लोग को एक रिक्वेस्ट है, मेरी तुम लोग को एक चेतावनी दे रहा हूँ मैं, चेतावनी बोल सकती तुम लोग इंग्लिश सीख के जाओ, या तो तुम लोग को 2-3 दिन तुम लोग के वेस्ट हो जाएंगे ऐसी सीखने सिखाने में। और अपनी तो अपनी इंग्लिश अपनी ठीक है इंग्लिश, लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठे हुआ था, अभी अमेरिका की फ़्लाइट पे बैठे हुआ था, तो मैं पूरी दिमाग में प्लानिंग चला रहा था भाई उधर जाने के बाद अपने को बेसिक क्या क्या पूछना पड़ेगा, कि भाई अगर किसी से अपने को कुछ खाने को मांगता, पानी पीने को मांगता, तो मैं किसी को पूछूंगा कि भाई कि मतलब वेयर इज़ वाटर, मैं इतनी तो पूछूंगा कि वेयर इज़ वाटर। अगर वो लोग तो बोले कि यर तो ठीक है, देर बोले तो भी ठीक है। वो लोग अपनी भाषा में जो लोग एक्सेंट मार के बोलते ना, वो तभी लफड़ा हो जाता फिर। तो तुम लोग की इंग्लिश बहुत स्ट्रांग ही नहीं जरूरी है। अमेरिका के बच्चे लोग देख के मैं परेशान हो गया यार। फ्लाइट में तो एक बच्चा रो रहा, इंग्लिश में रो रहा बच्चा। अपने को यदि इंग्लिश इंग्लिश नॉर्मल अपने को ग्लास पानी पूछते हो अपन के बाल खड़े हो जाते, लेकिन अपन वो लोग बच्चे इंग्लिश में रो रहे हैं, नो इंग्लिश में रो रहा बच्चा। बाकी जगह बहुत खूबसूरत है उधर, कोई ऐसी मतलब इतनी साफ जगह है वो लोग की, इतनी साफ जगह है। अमेरिका के पास सब है, सब मतलब क्या तुम बोलेंगे उधर है भाई लोग। लेकिन एक बात याद रखो भाई, 450 रुपये का पानी आता खाली उधर, समझे ना, पूरी डॉलर में हिसाब किताब है वो लोग की। ऐसा अपनी से अपन मतलब अपन कैसे इधर पानी वेस्टेज, बिल्कुल पानी वेस्टेज नहीं करते वो लोग। 2-3 लोग से मैं मिला, वो लोग तो नहाते भी नहीं है, बोलते हफ्ते में 2-3 बार ही, बहुत ठंडी रहती है बोले। बाथरूम का पानी भी तो पी रहे थे, उस्माना बोल रही थी कि मेरे को ताने मार रही इधर। और वहां पर पानी जिसके लिए चाहिए बाथरूम में उसके लिए आता नहीं है। हाँ उधर भाई भाई तुम लोग को भाई पहले बोल रहा हूँ, जिस बोतल में पानी पियेंगे बोतल फेंकने की नहीं, वो लेके जाने के अंदर, क्योंकि उधर पानी नहीं आता पैखाने में, समझे ना। अंदर उधर कुशल खाने में बिल्कुल पानी नहीं, बिल्कुल भी पानी नहीं, खाली टिश्यू लगा लगा के अपना तो बुरा हाल हो गया। पेपर वेपर लगा के मैं तो जिस बोतल में पानी पी लूँ वो बिल्कुल फेंके हुआ नहीं, वो लेके गए थे हम लोग, अंदर लेके जाओ वो अलाउड है सब उधर। और बाकी बाकी चीज़ें तो सच बोलेंगे तो भाई बहुत महंगी चीज़ है वो लोग की। तुम लोग की अपने इधर जो अपने अपने इंडिया में जो इधर 10 रुपये की चीज़ मिलती है, वो लोग की उधर कम से कम 1.5 हज़ार की मिलेंगी, समझा। तो मतलब कितने टाइम है वो लोग की सोच लो, मतलब कितने टाइम ज़्यादा मिलेंगी। अभी क्या वीज़ा लग गई उसकी 2-3 दिन पहले, शुरू शुरू में बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी थी, अभी भी संभाल के रखे वहाँ वीज़ा में लग गया वीज़ा, अभी जब तक चलेंगे चलेंगे देखते हैं। अभी वापस अमेरिका तुम लोग, लेकिन अमेरिका जाएंगे तो पहले से पूरी प्लानिंग करके जाओ, कि ऐसा उधर जाके इधर जाऊँगा उधर जाऊँगा ऐसा कुछ नहीं होता उधर। एक तो चीज़ें इतनी महंगी वो लोग की, खाली एयरपोर्ट से होटल जाने का भाड़ा 8,000 रुपये होता, समझे ना। तो थोड़ा सोच समझ के तुम लोग की डिसीजन लेने की। बाकी तो क्या अपना ऐसे ही चल रहा है, अभी तो जब इधर दिन है तो उधर रात है, उधर रात है तो इधर दिन है। तो अभी जब से इंडिया आया हुआ हूँ 3 दिन हो गए मेरे को, मैं दिन में सो रहा हूँ रात में जग रहा हूँ, दुकान बंद पड़ी हुई है, नुकसान अलग से हो रहा है इधर, समझे ना। तो अमेरिका में जाने से पहले ही तुम लोग ये चालू कर दो कि दिन में सोने का और रात को जगने का, तो तुम लोग की उधर जाने के बाद डेज वेस्टेड नहीं होते तुम लोग, समझे ना। तो उधर जाके 2-3 दिन तुम लोग सोते ही रहेंगे, और क्योंकि वो लोग की इधर दिन इधर रात बोले तो उधर दिन, ऐसा सीन। और आने के टाइम भी तुम लोग के 2 दिन वेस्टेज समझ के चलो कि भाई 2 दिन धंधा पानी होएगा नहीं, समझे ना। इतनी तो तुम लोग पकड़ के चलो कि 2 दिन वेस्टेज होएंगे। होता है वहाँ पर
पाउंड देखो भाई, अमेरिका की एक बात तुम लोगों को और एक बात बता रहा, बहुत लोग की हम लोग को कंप्लेंट आ रही है फैजल भाई, हम लोग बैग तो इधर से लेके गए हुए थे, जितनी अलाउड थी सब लेके गए हुए थे, लेकिन उधर पहुंचने के बाद वो लोग बोल रहे कि बैग का वजन कम ज़्यादा हो रहा। अब क्या होता ना कि अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री, समझे ना, अपने आप में वो लोग इतनी बड़ी देश बन के बैठे हुए, तो उधर क्या होता है कि एक 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 स्टेट में दूसरे स्टेट जाते हो तुम लोग की टाइमिंग चेंज हो जाती पहली बात तो, समझे ना, ये देख के मैं भी कुछ शौक में चला गया। और बाद में तुम लोग की अगर फ्लाइट रहेंगी, वो लोग आपस में भी जैसे अपने को कैसा, अगर अंधेरी से पनवेल जाने का तो अपन कैसा फटाफट ओला उबर मार के या फिर वो इससे ट्रेन वेन से अपन निकल लेते, वो लोग से वो लोग का जो एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वो लोग खाली डायरेक्ट फ्लाइट ही मारते वो लोग ज़्यादातर, क्योंकि छोटी मोटी वो लोग की फ़्लाइट ही चलती वो लोग की, और उसमें अलाउड है तो तुम लोगों को खाली 24 पाउंड, कितनी उस माना 24 बोले थे, कितनी बोले थे, 50 पाउंड, 50 किलो होगी ना अपनी, नहीं नहीं अपना उनका 50 पाउंड, अपना 24 किलो, 24 किलो एक्चुअली वो लोग ने पूरी कन्फ्यूजन मार के रखे हुए, वो लोग की इधर पूरा सबकी यूनिट अलग अलग है, पहले तो वजन की मशीन में खड़े होके ऐसे 50 कितना पाउंड देखना पड़ता है, 100-150 पाउंड उसमें से 50 माइनस करो, वही समझा रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ की वो लोग की पूरी यूनिट ही अलग है पूरी, मतलब जैसे अपनी इधर किलोमीटर बोलते वो लोग बोलते माइल्स, अपनी वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पहले 5-6 दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, 6ठे 8वें दिन तो तुम्हारी टूर खत्म हो जाएगी। मौसम पूछने को बोलो तो बोलो फ़ारेनहाइट, क्या वो फ़ारेनहाइट में वो अपने इधर सेल्सियस में रहता, जैसे अपन की एसी की टेम्परेचर 19-20 ऐसी रहती, वो लोग की रहती 70-72 रहती वो लोग की, कभी कोई बोल रहा कि नहीं वो 64 कर दो, समझिए ना, तो वो लोग भी फ़ारेनहाइट में रहती, तो उधर जाके तुम लोग को ये सॉलिड कंफ्यूजन होने, वो लोग ने जानबूझ के रखे हुए ऐसा लगता है कभी कभी मेरे को, सब लोग मांग मांग के ऐसे पैसा लेते हैं कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे उधर टिप्स सबसे जरूरी चीज तुम लोगों को बोलेंगे तो टिप्स, समझे ना, ये उस माने उस पीच गर्म हुई थी एक आदमी पे, बोलिए तुम लोग ऐसे कैसे मुंह पे मांग के ले रहे टिप्स वहाँ पे, समझे ना, कि छोटी मोटी भी तुम लोग को अगर सारा खुद करे थे, सारी काम मैं खुद करके बैठे हुए, अभी झूठ नहीं बोलूंगा, पीठ सेक रहा हूँ अभी भी, सब बैग मैं खुद उठाया हूँ, क्योंकि जैसे ही सामने वाले तुम्हारे बैग को हाथ लगा दिए तो समझ लो कि तुम्हारे एक $10-15 तो उधर तो खो गए तुम्हारे, समझे ना, $10-15 बोले, $10 बोले तो कितनी होगी उसमें ना, पता नहीं बोल रहे 18% देना पता मतलब क्या देना? $10 बोले, $1.82 का $1, समझे ना, और इधर से अभी जावेद की इधर से खरीदे वो तो कितनी की रेट थी अपने को, 84 रोज बढ़ता है ना उनका, रोज गिरता बढ़ता है वो तो लोग की, रोज बढ़ रही रोज गिर रही, तो अपने जो पैसे है वो संभाल के इस्तेमाल करो, उधर जाके ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसा पानी ऐसा पैसे बिल्कुल मत, झप से खत्म हो जाएंगे सब, झप करके खत्म हो जाएंगे, समझे ना, बाद में कार्ड खींचते बैठे हुए पड़े हैं वहाँ पे, नहीं तो इधर इंडिया में फ़ोन करके पैसे डलवाने पड़ेंगे, पहले तुम लोग को बोल के रख रहा हूँ, पैसे बचा बचा के इस्तेमाल करो वहाँ पे, सब लोग इस पैसे बचा के इस्तेमाल करते, वो लोग को और अमेरिका के लोग को देख के ज़्यादा खर्चा करने को जाओ मत, वो लोग की ज़िंदगी वो लोग की उधर कमाई अलग रहती है, अपनी इधर की अलग रहती, समझिए ना, तो ऐसी है ये अमेरिका की कहानी, तुम लोग की सबको समझ में आ गया, अमेरिका की कहानी फैजल भाई की जुबानी, समझिए ना, अपना हो गया भाई ट्रिप, अपन आ गए अपने घर, अभी खाली सोने उठने का चक्कर ठीक हो जाएगा तो मैं अपनी ज़िंदगी संवार लूँगा, ठीक है ना, दुकान धंधा पानी सब बंद है, सोच रहा हूँ अभी रात को ही दुकान डाल दूंगे, चालू कर दूंगे रात को, हाँ ना बाबा, वो लोग की जाके थोड़े से बिल विल तो देख लेता हूँ क्या करके रखे हुए, चलो भाई लोग मिलते फिर बाद में, अभी दिन हो रहा तो मेरा सोने का टाइम हो रहा, मेरी आँखें छी छी कह सकते आँखों पे कोई तो बैठे हुआ है, सो रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, तुम लोग भी अपना ख्याल रखो, अमेरिका जाओ लेकिन वापस आओ, समझे ना, उधर को रहने को गए तो तुम लोग की पूरी बैंड बच जाएंगे, बहुत काम करना पड़ता है उधर, मैं तो घूमने को गया था, घूम गए लोग पूरा मैं, चलो भाई लोग सोचता हूँ फिर, तुम लोग को गुड मॉर्निंग, मेरे को गुड नाइट, समझे ना, झूठ काय को बोलते, बोलो ना, काम ढूंढने गए थे उधर मिला नहीं, चलो भाई लोग, भाई।